शिवपुरी जिले के करेरा थाना पुलिस ने एक बार फिर स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 15 ग्राम स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। बता दें कि करेरा थाना पुलिस एक माह के भीतर 20 लाख रुपए की स्मैक जब्त कर चुकी है। करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो बाइक सवार गल्ला मंडी के पीछे स्मैक बेच रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम को पहुंचाया गया था, जहां पुलिस टीम ने दो संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनकी तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 15 ग्राम स्मैक को जब्त किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, गल्ला मंडी के पीछे से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है, पूरा मामला क्या है? आज बीती रात को जरिए मुझे सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति गल्ला मंडी के पीछे मोटरसाइकिल लिए हुए स्मैक बिक्री कर रहे हैं। मुख्य सूचना पर से दर्ज की गई तो विवेक यादव और अवनीश यादव निवासी अरोड़ा के कारोठा के, ये लोग बिक्री करते हुए पाए गए। इनके कब्जे से 15 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कुल मुसरफा 3.5 लाख का जब्त किया गया है। आरोपियों विरुद्ध 8/21 NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों से अन्य सप्लायर जो रहते हैं उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।